Hey guys, today we have come to see the inspection of a couple of CNB works, Cement Nala Bandhara. Hey friends, welcome back. In the last video, we discussed about a minor irrigation tank and its structure and its utility. In this video, we are going to talk about Cement Nala Bandhara, also called as Checkdam. It's a very small water storage structure built across small streams and rivulets to catch the water temporarily and also to recharge underground water. So CNBs can be a gated CNB, which is in the video, or a simple Cement Nala Bandhara as shown in the picture. So here you can see behind me, it's a nala of length around 200 to 300-500 meters to 1 kilometer, and this is CNB1, and then upstream we have another CNB2. So today I also have with me my engineer of Water Conservation Department, Jadav. So you'll also give some information regarding CNB. Okay. तो इंजीनियर साहब बताइए इसका CNB का क्या फायदा है, साइट सिलेक्शन आपने कैसे किए, इससे टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या क्या होता है? एक्चुअली ये जो लोकेशन सेलेक्ट किया हुआ है, ये लोकेशन सेलेक्ट किया है डिपेंडिंग अपॉन द वाटर स्केरसिटी इन दिस एरिया। ये जो वाटर स्केरसिटी एरिया है, इसमें हम देखते हैं कि कैचमेंट एरिया में कितना पानी आता है, वो पानी कितना अरेस्ट होता है। अगर अरेस्ट नहीं होता है तो वहाँ पे हम CNB लेते हैं, सीमेंट नाला लेते हैं। अब ये गेटेड टाइप का CNB है, जो गेटेड CNB का एक एडवांटेज होता है कि इन केस ऑफ मानसून, जब ज़्यादा फ्लो होता है तब हम वो गेट ओपन करके रख सकते हैं। ओके। और जब वो मानसून ख़त्म हो जाता है, ओके, एट द एंड ऑफ द मानसून, एट द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, हाँ, वी क्लोज द गेट्स ऑफ द Okay. Bandhara. So in monsoon, during monsoons, we keep the gate open. Yes. Water will keep flowing, and when monsoon is ending, we'll close the gate. Okay. So there we will have water for the rabi season. Okay. Rabi season, and there is a direct benefit like lifting of this water okay. from the source itself. Yeah. And second benefit is that the many times this bandhara overflows, yes, it recharges the groundwater. ये groundwater को recharge करता है. Right. और वो मल्टीपल टाइम्स करता है, right. तो हम उसको कैलकुलेशन में लेते नहीं, उसको हम इनटेंजिबल बेनिफिट बोलते हैं, right. टेंजिबल जो है डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी उतना जो टेंजिबल बेनिफिट है, ठीक। तो इसकी वजह से ये CNB इसलिए सक्सेसफुल हो सकता है, right, right, right. और ये CNB का एक एडवांटेज और है, बिकॉज ऑफ गेट, यहाँ पे सिल्टिंग नहीं होता है, okay. जो एक से सिल्ट भी है वो नहीं करता नीचे, अगर ये fine. गेट नहीं है तो यहाँ तक सिल्ट हो जाएगा एक दो साल में, फाइन फाइन फाइन। जैसे हम माइनर इरिगेशन टैंक में देखते हैं, उधर डैम लाइन के डैम लाइन पानी को पकड़ के रखता है और फिर सिल्टिंग ज़्यादा होता है, यस, तो यहाँ पे सिल्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगा गेट सी में। ओके, सो कितना क्षेत्रियों को, कितना हेक्टर्स को पानी मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा? डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा दो हेक्टर्स तक, यानी कि ऑलमोस्ट 5 acres तक लैंड यहाँ पे यूज कर सकता है डायरेक्ट बेनिफिट में। ओके, इनडायरेक्ट बेनिफिट में यहाँ के जो बोरवेल्स है, ओके, वो डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड वाटर स्टेटा इन दिस एरिया, यू कैन रिचार्ज अप टू 500 मीटर्स और अप टू 1000 मीटर्स तक ये रिचार्ज कर सकता है कंटिन्यूसली, जब तक यहाँ फ्लो है, बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर कंटिन्यू टू सीप डाउन एंड इट विल रिचार्ज द असेंडिंग साइड वाइज स्ट्राटा एक्वीफर्स। सो इंजीनियर साहब हमको बताइए ये CNB स्ट्रक्चर में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द CNB स्ट्रक्चर? ये होती है वेयर बॉडी वॉल, राइट, जो कि मेन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो हम जो भी डिजाइन करते हैं वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए वेयर बॉडी वॉल डिजाइन करते हैं, राइट, आफ्टर क्लोजिंग द गेट, दिस इज द गेट ओपनिंग, या तो ये गेट में तीन, यहां पे तीन गेट बैठेंगे, ओके, 1.5 मीटर के लिए, ओके, 1.5 मीटर में हाफ ऑफ मीटर उनका हाइट होता है, ठीक है। सो ये अब ये खेतरी ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और जो वो बड़ी वॉल जो है, हां, प्लांट वॉल बोलते हैं या गाइड वॉल बोलते हैं, यस, इससे जो वाटर वे है उसको गाइड करता है नीचे जाने के लिए, उसकी वॉल है, ये इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द फ्लडिंग वाटर एज वेल एज ये बंदारे को जो है स्लाइडिंग से रोकती है, ठीक है, ठीक है। अगर वाटर फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में स्लाइड हो सकता है, एक्चुअली ये सीन बंदारे का वैसा कुछ केस होता नहीं है, ठीक है, स्लाइडिंग से रोकती है और वहाँ तक वो जो वाटर का वे है उसको गाइड करने का काम करती है, की वॉल, की
सामने देख रहे हो वो की वॉल है और जो साइड में है वो ब्लैक वॉल है और ये जो सामने है वेयर बॉडी वॉल है और बीच में गेट है और डाउन स्ट्रीम में कैसा है स्ट्रक्चर। हाँ ये इसको हाइड्रोलिक बकेट बोलते हैं। ओके सो हाँ बराबर यस हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इज वाइल सेलेक्टिंग द साइट the cooperation of farmers is very important and many times farmers have their adjacent fields and they object to the construction of CNB, so we have to take them also into confidence and once the CNB is constructed we give the management to the farmers themselves, so it's a kind of participatory water storage structure and since this is majorly a forested area once the CNB is built during water scarcity times the wild animals also get water to drink, so they apart from tangible benefits like direct supply of water to irrigation to the fields, yeah many intangible benefits are also there like underground water recharge and water for wild animals, for other animals and cows. So friends this is CNB 2 1. So that's it friends, hope you found this video informative and useful and we will continue this video series in the coming days. Thank you.